मेरी आवाज आ रही है सभी को? थैंक यू थैंक यू। तो ये हमने ना प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का कोर्स डिजाइन किया पूरा, मैंने और विपन जी ने मिलकर। तो उससे पहले हमने 7 डेज की बेसिक क्लासेस रखी हैं, क्योंकि जो उसके आगे जो कोर्स चलेगा वो अगर ये 7 बेसिक क्लासेस आपकी क्लियर होगी तो, हाँ जी बिल्कुल, तो अगर वो क्लियर होगी हमें तभी हम आगे सारा समझ पाएंगे, नहीं तो हमें प्रॉब्लम आएगी समझने में। और दूसरा, पहले कंटेंट शेयर करने से पहले मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि स्पीड हमारी जो रहेगी फास्ट नहीं रहेगी, हमने सभी को साथ में लेके चलना। और इसमें हमने डाउट सेशंस भी रखे हैं आफ्टर एवरी 3 क्लासेस और 4 क्लासेस, ताकि अगर आपको कोई डाउट है आप उसमें भी पूछ सकते हैं। और इसमें आपके कुछ पर्सनल चार्ट्स लेके हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे कि इस पर एप्लीकेशन कैसे रहेगी जो हम प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का कोर्स आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बेसिक्स से ही स्टार्ट करेंगे हम, जैसे कि 4 एलिमेंट्स जो हमारे होते हैं, 4 तत्व। कौन कौन से होते हैं 4 तत्व, कौन बताएगा? ये पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, 5। ठीक है, 5 कर दिया उन्होंने, बहुत बढ़िया। तो वास्तु का भी ऐड कर दिया इन्होंने। तो अभी हम एस्ट्रोलॉजी में लेके चलेंगे 4 एलिमेंट्स, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। थोड़ा सा मैं आज टच करूंगा ये पार्ट, एक बार मैं आपको कोर्स कंटेंट बता दूं कि हमको इसको रीड कैसे करना है, कि हमने अपनी एनालिसिस कैसे करनी है, कि आप फायर एलिमेंट हो, वाटर एलिमेंट हो, अर्थ एलिमेंट हो या एयर एलिमेंट हो। थैंक यू जी, आपने बढ़ा दिया, थैंक्स, जूम कर दिया। तो पहले ना हमें अपनी नेचर के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे अंदर फायर है ज्यादा, कितने परसेंटेज ऑफ फायर है, कितने परसेंटेज ऑफ वाटर है, तो उससे हमारी पर्सनैलिटी क्या है और हम कौन कौन से एक्शंस हम ले सकते हैं जो हमारे लिए वैल्यूएबल रहेंगे, ठीक है। उसके बाद 12 राशियों की बात करेंगे हम, जोडियक्स, सभी को पता राशियों के बारे में, बट इसको हम डिटेल में करेंगे कि ये कौन सा एलिमेंट है, ये इनकी पोलैरिटी क्या है, मोडेलिटी क्या है, मतलब नेगेटिव साइंस, नेगेटिव मींस पैसिव एक्टिंग, पॉजिटिव मींस एक्टिव। सो एक्टिव साइंस कौन कौन से हैं, नेगेटिव कौन कौन से हैं, कौन से फिक्स्ड हैं, कौन से म्यूटेबल हैं और कौन से मूवेबल हैं, तो ये सारे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्लैनेट्स की बात करेंगे। तो प्लैनेट्स, अच्छा आप ये बताइए प्लैनेट्स का रोल क्या होता है हमारी लाइफ में? ये इंटरेक्टिव रहेगा सेशन सभी के साथ। तो प्लैनेट्स का रोल क्या रहता है हमारी लाइफ में? हाँ जी, प्लैनेट्स को हमें किस तरह देखना चाहिए? अब कोई भी बोलिए, इसमें कोई वो झिझकने वाली बात नहीं है, आप समझेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा सुना है कि प्लैनेट, अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स ही हम लोग चलते हैं, जैसे सूर्य को बोलते हैं कि हम आत्मा का कारक होता है या फादर का होता है, इस टाइप से जोड़ा गया है हर एक प्लैनेट को बॉडी पार्ट से या हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं के साथ में प्लैनेट्स को जोड़ा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, कृष्णा जी बहुत बढ़िया। हाँ जी रीता जी, सतीश जी, शाम जी, कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं किस तरह से प्लैनेट्स हमारी लाइफ में वर्क करते हैं? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो प्लैनेट्स का मतलब क्या है? एक्शन। तो प्लैनेट्स हमारी लाइफ में एक्ट करने के लिए आते हैं। तो यदि हम ये समझ जाएं कि हमें किस तरह एक्ट करना चाहिए प्लैनेट्स के हिसाब से, तो हमारी जो लाइफ है वो अलाइन हो जाती है और हम ज्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्स का क्या कार्य रहता है, कोई बताएगा? मंगल का सर, एनर्जी गिविंग प्लैनेट है हमारा ये। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, मंगल
ठीक है जी। तो मार्स की हम बात करें तो एक तरह से मार्स को मंगल को सेनापति की तरह देखा जाता है, वॉरियर की तरह देखा जाता है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए मंगल आपकी नौवीं राशि में है, सैगिटेरियस में है, तो किस तरह काम करेगा वो, क्या दर्शाएगा? आपको मेरा प्रश्न समझ आ गया कि अगर मंगल जो है उसकी प्लेसमेंट सैगिटेरियस राशि में है तो वो क्या बताएगा, क्या दर्शाएगा? हाँ जी रीता जी, हाँ जी, हाँ जी, सबसे पहले मंगल जो है अग्नि तत्व राशि में चला गया तो वो हाँ जी, दिखाएगा कि हमारे में कितनी एनर्जी लेवल, हमारा कितना एनर्जी, वेरी हमारा एनर्जी लेवल कितना है, और जैसे हम कैसे रिएक्ट करते हैं, और हमारी किस्मत हमारा कितना साथ देगी, और मतलब तो जैसे कोई भी किसी भी काम को करने के लिए एक हिम्मत होनी चाहिए, वो सिर्फ हमें मंगल ही बताएगा। और धनु राशि में होके उसमें फायरी जो एक गुण है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही है, तो बहुत बढ़िया बताया। और प्रणब जी, नमस्ते नमस्ते। सर, ऐसा ही होगा सर जैसे ऐसे मैडम ने बताया। बिल्कुल सही है। अब मंगल की हम बात करते हैं तो मंगल, मैंने आपको बताया कि एक वॉरियर की क्वालिटीज होती है मंगल में, ठीक है। तो अगर हम नाइन्थ राशि की बात करते हैं, वो बिल्कुल सही बताया, अग्नि राशि में चला गया, फायरी प्लेनेट है तो नेचुरली फायरी एलिमेंट ज्यादा होगा, बाकी प्लैनेट्स भी हम एनालाइज करेंगे। तो नाइन्थ राशि में क्या हो गया, नाइन्थ राशि से हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे कि नाइन्थ राशि का लॉर्ड क्या है, जुपिटर, ठीक है। तो उसमें कुछ जो क्वालिटीज रहेंगी राशि में जुपिटर से रिलेटेड रहेंगी, तो उसमें क्या कि जो व्यक्ति है वो हमेशा हायर नॉलेज एक्वायर करने के लिए उत्सुक रहेगा, अग्रेसिव रहेगा। यहाँ हम ये बात कर सकते हैं कि स्पिरिचुअल, एज ए स्पिरिचुअल टीचर वो आगे आएगा, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे मैं जो डिस्कशन करूंगा ताकि आप उसको कोरिलेट कर पाए एक एक चीज को, कि अगर एक प्लेनेट कौन सी राशि में है और कौन से हाउस में है तो हमने उससे क्या एक्शन समझना है। अब मैं इसी पे आता हूं कि मंगल जो है नौवीं राशि में है और 10th हाउस में है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? मंगल जो है नौवीं राशि में है, धनु राशि में है और आपके 10वें घर में है, तो इसका क्या इंपैक्ट होगा आप पे, या हम कैसे एनालाइज करेंगे इस चीज को? हाँ जी सतीश जी, पहले एक बार सतीश जी को ले लेते हैं, फिर रीता जी को भी ले लें। सर एक्सक्यूज मी, हाँ जी, सर हमें ये कुछ भी समझ हाँ में जी नहीं सर, आ रहा है सर, तो आप ये वो चार्ट के ऊपर निकाल के बताए थोड़ा अच्छा रहेगा, हमको कुछ भी समझ में नहीं आ बिल्कुल रहा क्या बिल्कुल। हो रहा है। अभी 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 बिल्कुल अभी ठीक है, वो मैं एकदम चार्ट आप बोल हाई क्वालिटी के बता रहे, 10वां हाउस में धनु और मकर, ये हमको कुछ भी रहा हूँ। समझ ओके में ओके नहीं आ रहा है सर। सुषमा जी, आराम से मैं बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। एक एक जैसे आप बोल रहे चार्ट के ऊपर ही वर्क करेंगे तो मैं अभी चार्ट पे कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। सर आप क्लास को स्टार्ट करें तो बेहतर है, तो ठीक है जी, जब चार्ट को हम स्टार्ट करेंगे तो चार्ट पर भी ले लेंगे, चार्ट्स पे इनकी मैं क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत 2-3 दिन की क्लासेस हम लगेंगे तब, तो उसके बाद हम सारी बातें करेंगे, डन डन क्लास डन डन को उसमें कर स्टार्ट देंगे। करो जैसे बट मैं आप। थोड़ा सा इनको हिंट दे देता हूँ, 10th हाउस में अगर मंगल धनु राशि में है तो उस जातक को आप सजेस्ट करेंगे कि आप एक स्पिरिचुअल स्पीकर हो सकते हैं, आप एक स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल फील्ड में आप जा सकते हैं, या हायर स्टडीज में आप एज ए टीचर भी जा सकते हैं, एज ए एनालिस्ट भी जा सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि वो आपको एनर्जी दे रहा है वहां पे। मार्स जो है 10th हाउस क्या होता है, आपकी पब्लिक इमेज, कि आपकी पब्लिक इमेज क्या है, ठीक है। तो इस तरह से हम कोरिलेट करेंगे कि कौन सा प्लेनेट कौन से घर में है और कौन सी राशि में है, तो आपको किस तरह से एक्ट करना, ठीक है। अब मैं
आगे चलता हूँ। सुषमा जी मैं आपका पार्ट जो है वो क्लियर करूंगा। ठीक, तो ये दिख रही है आपको स्क्रीन अभी शेयर। हाँ जी ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है। हाँ मैं थोड़ा इसको बड़ा कर रहा था। तो अभी हम बात कर रहे हैं चार तत्वों की। हमने बात करी 12 राशियों की, 12 घर और 9 ग्रह और उनकी दृष्टि, ग्रहों की दृष्टि के बारे में। ठीक है, सेकंड डे हम इस थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे जो मैंने आपको तत्व बताए हैं, और ट्राइन्स पे बात करेंगे। 159 ट्राइन है जो, 2610 ट्राइन है जो, इस तरह से हम ट्राइन्स पे बात करेंगे। तीसरे दिन में 12 राशियों में पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर चौथे दिन अगर हम बात करें तो 12 घरों के बारे में बात करेंगे, 12 हाउसेस का। पांचवें दिन 9 ग्रह, उनके क्या कार्य तत्व हैं और उनकी दृष्टि किस तरह से पड़ती है उसके बारे में बात करेंगे। छठे दिन हमने एक डाउट सेशन रखा है, क्वेरी एंड डाउट सेशन, तो आप उसमें जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप लिख के भेज सकते हैं, तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे। और सातवें दिन हम बात करेंगे नक्षत्र के बारे में और उनके चार चरणों के बारे में। ठीक है, फिर हमारी जो ये यहाँ तक जो फर्स्ट डे से लेके 7 डेज तक है ये हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस रहेंगी। इसके बाद हम आठवें दिन से स्टार्ट करेंगे नाड़ी नक्षत्र। तो इसमें बहुत ही सिंप्लीफाई किया हुआ है, बड़े इजी तरीके से आपको पता लग जाएगा कि आप एक प्लैनेट की स्ट्रेंथ क्या है आपके चार्ट में, वो आपको कैलकुलेट करना बताएंगे। बहुत ही इजी मेथड है एंड विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किसी भी प्लैनेट की हमने स्ट्रेंथ निकालनी है वो किस तरह से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों की शिक्षा के ऊपर कि आपके आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है तो वो बोलता है कि मेरे बेटे के लिए कौन सी फील्ड अच्छी रहेगी, तो हम वो भी बताएंगे, प्लस उनको कौन सा करियर पिक करना है वो भी बताएंगे। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कि वो सक्सेसफुल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, और अगर कुछ इस तरह का लगता है कि सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे तो उसके लिए हम रेमेडीज भी बताएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे करियर के बारे में, जॉब के बारे में। क्वेश्चंस आते हैं माइंड में कई बार कि जॉब करनी है या बिजनेस करना है, जॉब में कौन सा फील्ड पिक करना है मैंने, तो वो सारी चीजें आपको बताएंगे। फॉर एग्जांपल आजकल ऑनलाइन जाने का जो चलन है वो बहुत ज्यादा है, तो वेदर आप एक यूट्यूबर बन सकते हैं नहीं बन सकते वो आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं नहीं है वो हम इससे बताएंगे। उसके बाद 14th डे हमने प्रश्न और संदेह चार्ट, हर 3 या 4 क्लासेस के बाद हमने एक क्वेरी एंड डाउट सेशन रखा है। अगर पिछला आपको कुछ भी पूछना है वो हम यहाँ पे आपको बताएंगे, और उसमें हम आपके चार्ट्स भी लेके यहाँ पे डिस्प्ले करके कैसे कोऑर्डिनेट्स उस पर आ रहे हैं वो भी हम आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे चाइल्ड बर्थ के बारे में, इसको इवेंट प्लानेट टेक्निक रहती है, तो वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कब जो है चाइल्ड प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, मतलब कौन सा टाइम अच्छा है फॉर चाइल्ड प्लानिंग। उसके बाद संपत्ति और वाहन के बारे में कि कब आपको संपत्ति खरीदनी चाहिए, कब सेल करनी चाहिए, कब वाहन खरीदना चाहिए, तो इस बारे में आपको सारी बातें डिटेल में बताएंगे। फिर उसके बाद जो लिटिगेशन आ जाती हैं मुकदमेबाजी, तो वो कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं वो अपने चार्ट में आप कैसे दे सकते हैं, जो क्लाइंट का चार्ट है कि अभी उन पर मुकदमा चलने वाला है नहीं मिलना चलने वाला है, जमानत मिलने वाली है नहीं मिलने वाली है, तो उसके बारे में आपको बड़ी डिटेल से बताएंगे। फिर उसके बाद हमने एक और जो क्वेरी एंड डाउट सेशन रखा हुआ एंड प्रैक्टिकली आपके चार्ट पे वो अप्लाई करेंगे, या कोई एक एग्जाम्पल चार्ट लेके उस पर हम अप्लाई करके बताएंगे कि किस तरह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद मेडिकल सर्जरी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी बात करेंगे,
फिर हम बात करेंगे मार्केश और बादकेश के बारे में, फिर प्रश्न कुंडली के बारे में बात करेंगे, और हमने दो दिन रखे हुए हैं रेमेडीज के लिए, जेमस्टोन्स के लिए, कि कौन कौन सी रेमेडीज कौन से टाइम पे करनी है आपको सूटेबल रहेंगी एज पर योर चार्ट, या अगर आप कोई चार्ट देखते हैं। और उसके बाद 25th डे को हमने फिर एक डाउट सेशन क्वेरी सेशन रखा है, उसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो वैसे ये हमने 25 डेज की रखी है, बट इसका मतलब ये नहीं है, अगर थोड़ा डिले भी होता है या हमें रिक्वायरमेंट रहती है कि हमने एक्सपेंड करना है, तो हम 2-3 दिन की क्लासेस और एक्स्ट्रा ले सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं फिर से यही बोलना चाहूँगा कि इसको आप ध्यान से जब अटेंड करिए, नोट्स बनाइए, आपकी जो भी डाउट्स हैं क्वेरीज हैं वो सारी पूछें, उसके बाद में फिर भी अगर कहीं आपको डिले हो जाता है हम आपकी हर क्वेरी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 25 डेज का कोर्स है। और अगर आपने ये कोर्स कर भी लिया, ठीक है, उसके बाद से आपको अगर फिर ये कोर्स करवाएंगे तो आपको ग्रुप से नहीं निकाला जाएगा। बिल्कुल, आपको आगे ग्रुप से नहीं निकाला जाएगा, आप नेक्स्ट सेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट में ये चीज लगवाओगे। तो अभी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, मानव जी करिए क्लास। हाँ जी, हाँ जी, एक ना मैं अभी ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरा को ऐड करना है। थैंक यू। तो पहले मैं चार्ट बना रहा हूँ, तो ताकि आपको क्लियर हो जाए हाउसेस के बारे में, हाउसेस हम कैसे लेते हैं, जैसे सुषमा जी ने प्रश्न किया था। ठीक है, तो ये आपका पहला हाउस हो गया, यहाँ से हम इसको लगन भी बोलते हैं, असेंडेंट बोलते हैं। तो ये आपका लगन हो गया, यहाँ से आपका फर्स्ट हाउस स्टार्ट हो जाता है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, एट, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ। तो ये इस तरह से हमारे 12 घर हो गए हैं। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि वन हमने वहीं से क्यों स्टार्ट किया, वन हम कहीं और से भी स्टार्ट कर सकते थे जो पहला घर है। तो जब भी हम पैदा होते हैं तो जिस तरफ जो साइन हमारे ईस्ट में आता है वो हमारा लगन बन जाता है। तो इस तरह से हम जो फर्स्ट है यहीं से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट हाउस यहीं से स्टार्ट होगा, ईस्ट ईस्ट की तरफ से, ठीक है जी। इस पे कोई क्वेश्चन किसी को? हाँ जी सुषमा जी। ओके ओके, ठीक है, डन डन। अब मैं आप सभी से, ये इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, थोड़ा सा आगे वाले भी इंटरेक्टिव ही रहेंगे। मैं अगर आपसे पूछूं कि डीएनए वर्ड सुना हुआ आप सभी ने, डीएनए जो सुना है सभी ने, डीएनए क्या होता है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं एस्ट्रोलॉजी का डीएनए क्या है, अगर आपने एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है तो आपको वो डीएनए समझना पड़ेगा। तो वो डीएनए है क्या? हाँ जी सतीश जी, रीता जी, विनु कौशल जी, प्रणव जी, डीएनए अगर मतलब आप ये बोल दीजिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है एस्ट्रोलॉजी के। चलिए कोई बात नहीं, हमको पता है, सिर्फ मैंने टर्मिनोलॉजी चेंज करी है। डीएनए मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम डीएनए को अच्छी तरह से समझ गए
तो हम कोई भी चार्ट हमारे सामने आ गया तो हम बहुत अच्छी तरीके से उसकी एनालिसिस कर सकते हैं और अच्छी प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। तो डीएनए में सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगा जो मैंने पहले लिखा हुआ था फोर एलिमेंट्स के बारे में। चार एलिमेंट की हमने बात करी थी, तो फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर, ये तो हो गए एलिमेंट्स हमारे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, ये पहला पार्ट हो गया हमारा एलिमेंट्स का। दूसरा पार्ट हमारा क्या हुआ, राशियों का, साइंस, 12 राशियां। तीसरा एलिमेंट हमारा हुआ फोर्सेस का, जिसको हम भाव भी बोलते हैं, 12 भाव। चौथा प्लैनेट्स का, ग्रह, नवग्रह। और पांचवा आ गया दृष्टि का। हर प्लैनेट की जो है एक दृष्टि रहती है, तो अगर हम पांच चीजों को अच्छी तरह से समझ लें, इन पांच चीजों को, तो नेचुरली जो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर्स हैं और जो नए बनने वाले हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी चार्ट की एनालिसिस जो है वो बहुत शार्प हो जाएगी। आप बहुत अच्छे तरीके से व्यक्ति को सजेस्ट कर पाएंगे कि कौन सा आपने एक्शन करना है, आपने किस ढंग से बात करनी है, किस तरह से डीलिंग करनी है। तो ये सारी जो असेसमेंट है या एनालिसिस है, अगर आप इन पांचों एलिमेंट्स को अच्छी तरह से समझ लेंगे, तो आप एक बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे, ठीक है। अब मैं बात करूंगा आपके साथ फोर चारों एलिमेंट्स के बारे में, थोड़ा डिटेल में करेंगे चार एलिमेंट्स। तो उससे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आपके माइंड में क्या आता है जब हम फायर, अर्थ, एयर, वाटर के बारे में बात करते हैं। हाँ जी सर, हम इनके स्वभाव देखते हैं किसी जातक का। हाँ जी, स्वभाव स्वभाव देखते हैं सर, उसका नेचर देखते हैं। ओके, और कोई बात नहीं, डिटेल में आप बताइए, फिर हम डिटेल में करेंगे तो बढ़िया रहेगा। जातक का तत्व। ओके, अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको ये ऐसा करेंगे कि जो साइंस है ना, ये जो मैंने आपको फोर एलिमेंट्स बताए हैं, इसके बारे में इसको हम इस तरह से लेंगे कि एलिमेंट्स को हम कैसे डिवाइड करेंगे। एक तो होता है कि पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रोवर्ट, जो बाहर की तरफ जो बात करते हैं। जैसे आप कई बार किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो वो ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, पॉजिटिव साइंस है। और नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि उस संदर्भ में हम नेगेटिव लें, नेगेटिव का मतलब ये है कि वो पैसिव है, वो कम बोलते हैं, कम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम फायर की बात करें, फायर एलिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है। फायर एलिमेंट में कौन कौन सी राशियां आ जाती हैं सर? मेष, सिंह और धनु राशि। वेरी गुड, तो इसमें आपकी 1, 5 और 9 बिल्कुल सही है। एरीज आ गई,
लियो आ गई और सैगी आ गई, ठीक है। तो जो फायरी साइन है, जो फायरी साइन में जिनके प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं ज्यादा, ठीक है, या मून प्लेस्ड है या सन प्लेस्ड है, तो उनके एक्सप्रेसिव बहुत ज्यादा होंगे, वो लोग फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे। तो ये जो फायर एलिमेंट है हमारा यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक तो हमने लिखा कि ये पॉजिटिव है, राइट। अब इनकी थोड़ी और क्वालिटीज हम लेते हैं, ये थोड़े से इम्पेशेंट होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट बोलने वाले होते हैं, जो भी इनके माइंड में आएगा तो एकदम से ये उसको आगे व्यक्त कर देंगे। हमेशा इंस्पायर्ड रहेंगे, मतलब आपको आप इनको कभी भी लो एनर्जी में नहीं देखेंगे, राइट। थोड़े से इंपल्सिव होते हैं, एकदम से डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, हार्श भी होते हैं, थोड़े से आपको खुश भी आज भी लगेंगे, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इनका जो है, जो इनका माइंड है स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ेगा। मैं ये कुछ इनके वो लिख देता हूँ, फायर एलिमेंट जो है इसका इस तरह से हम ट्रायंगल लेंगे, ठीक है जी। तो इसमें इनकी क्या क्या क्वालिटीज हो सकती हैं, यह है इंपल्सिव, इंपल्सिव मतलब एकदम से जो रिएक्ट कर देते हैं। सेकंड है सेल्फ कॉन्फिडेंट, तो इनमें कॉन्फिडेंस की बहुत ही, जिसे बोल सकते हैं आप इनसे बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट है, ये जो भी डिसीजन लेंगे जो भी काम करेंगे बहुत ही कॉन्फिडेंटली करेंगे, ठीक है। ये आपको हमेशा इंस्पायर करेंगे, फायर एलिमेंट जो है। उसके बाद इनकी इंट्यूशन जो है, इंट्यूशन पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। ये पैशनेट होते हैं किसी भी चीज को लेके, ये बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं कि मुझे ये चीज प्राप्त करनी करनी है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको फायर एलिमेंट के बारे में बताया, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे अर्थ एलिमेंट के बारे में। अर्थ का जो ट्रायंगल है वो इस तरह से रहेगा, डाउनवर्ड्स, अर्थ का जो ट्रायंगल है डाउनवर्ड्स है। अब आपने देखा कि फायर का ट्रायंगल है ऊपर की डायरेक्शन की तरफ है, अर्थ का डाउनवर्ड है, तो ये कौन सा साइन हो गया एक तरह से, ये पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा, पैसिव में आएगा कि एक्टिव में आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव से पैसिव में, वेरी गुड। तो ये पैसिव साइन हो गया हमारा, जितने भी अर्थी साइन हो गए हमारे, कौन कौन से अर्थी साइंस, दो छह दस, वेरी गुड, दो छह दस। तो ये आपका आ गया टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, तो ये सारे अर्थी साइंस हो गए। अब आपने देखा कि ये ट्रायंगल नीचे को है, तो आप थोड़ी इसमें से क्वालिटीज बताइए अर्थ एलिमेंट की, क्या क्या क्वालिटीज होंगी। व्यक्ति ज्यादा संसारिक होता है, आर्थिक मतलब बहुत बढ़िया, प्रैक्टिकल होते हैं, आर्थिक मामले पे ध्यान दे, बहुत झुक के चलते हैं, थोड़े झुक के चलते हैं, डाउन टू अर्थ हो गए, बिल्कुल सही है, हां जी डाउन टू अर्थ हो गए, बहुत बढ़िया, कम एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, लो एक्सप्रेशन, ठीक है, बट स्टबर्न होते हैं, ये जिद्दी होते हैं, अगर किसी बात पे ये अड़ जाते हैं तो इनको वहां से हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। दूसरा इनकी जो थिंकिंग होती है, वो बहुत प्रैक्टिकल है, जैसे इन्होंने बताया। इसको हम अगर हम बात करें कि इसके अगर सिंबल्स की बात करें तो इसमें क्या है, ये बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और ये पावर को काफी देर तक सस्टेन करके रखते हैं। तो ये इनकी क्वालिटीज होती हैं, ये बहुत ही गोल ओरिएंटेड होते हैं,
हमेशा सर्विसेज के लिए रेडी रहते हैं और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। तो ये सर हिंदी में बोलिएगा। अच्छा अच्छा मैं ये थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि शुद्ध हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, बट मैं ये कहना चाहूंगा ये बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं। डाउन टू अर्थ किस तरह, चलो एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ उसपे कर सकते। तो धरती से जुड़े रहते हैं, धरती से, हाँ बिल्कुल धरती से जुड़े रहते हैं, लो प्रोफाइल रखते हैं बहुत ज्यादा, मतलब ये ज्यादा आपको जैसे फायरी एलिमेंट एक रूम में आया तो आपको पता लग जाता है कि एक फायर एलिमेंट की प्रेजेंस है, बट ये एक ऐसा एलिमेंट है जो आराम से बैठे रहेंगे। प्रोडक्टिव का मींस हो गया कि इनको कोई भी काम दिया जाए ये बहुत ही परफेक्शन से करेंगे, और प्रोडक्टिव की अगर बात करें कि मतलब ये रिजल्ट बहुत अच्छे देंगे, ठीक है। तो ये हमारे अर्थ एलिमेंट हो गए। मैं आपको हिंदी भी बता देता हूँ ताकि आपके मतलब उत्पादक जिसे बोलते हैं, उत्पादक जो मतलब काफी आउटपुट दे सकते हैं, इस तरह से ये प्रोडक्टिव हो, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं एयर एलिमेंट की। तो एयर, आपने आपके दिमाग में एयर आया तो आप ये बताएं कि इसका ट्रायंगल जो है ये ऊपर की तरफ रहेगा जैसे फायर का था, बट यहाँ पे हमने लाइन दे दी। तो ये हो गई एयर एलिमेंट का सिंबल। तो एयर एलिमेंट क्या क्या हो सकता है आपके हिसाब से? सर हवा में उड़ेंगे, ऊंची ऊंची बातें करेंगे। हाँ जी हाँ जी, बहुत सही सर, काफी माइंड शार्प होता है अंदर। बिल्कुल सही है, हर समझ रहे हैं की बात। ये बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, सामाजिक होते हैं, मतलब सोशल रहते हैं ये बहुत ज्यादा, और दूसरा कम्युनिकेटिव रहते हैं बहुत ज्यादा, संवादात्मक रहते हैं, ठीक है जी। क्लियर है? मैंने से हिंदी के लिए पूछा था तो आपको हो सकता है मतलब क्लियर हो रहा है। एनी टाइम न्यू डिजाइन के लिए मान लीजिए बात करेंगे, नए नए चीज। हाँ बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं लोग, ठीक है, और अपने आइडियाज को बहुत अच्छे तरीके से ये एक्सप्रेस करते हैं वर्बली। लेकिन अब ये चाहते क्या है, ये फ्रीडम चाहते हैं। एयर है ना, तो एयर को आप नहीं रख सकते हैं, तो एयर जो हमेशा फ्लो ही करेगी, तो ये हमेशा फ्रीडम चाहेंगे, ठीक है, आजादी चाहेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, अनग्राउंडेड होते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि हवा में ही बात करेंगे, वर्बली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्लेवर होते हैं, बहुत ही मिनटों सेकेंडों में थॉट्स को जनरेट कर लेते हैं, क्यूरियस होते हैं बहुत ज्यादा, क्यूरियस बहुत उसको बोल सकते हैं उत्सुक, मतलब किसी भी चीज को सीखने के लिए बहुत उत्सुक रहेंगे, मेंटली काफी सोचते हैं, मतलब ज्यादा ये मेंटल वर्क पे काम करते हैं एज कम्पेयर टू फिजिकल वर्क। तो ये हमारे क्या हो गए, एयर एलिमेंट। 3, 7, 11 बिल्कुल एलिमेंट में आ गया, जैबी नहीं, मैं लिख देता हूँ 3, 7, 11 जेमिनी, दूसरा लिब्रा और तीसरा एक्वेरियस। तो ये 3, 7, 11 तो ये जो है ये सारे एरी साइन है, कम्युनिकेटिव साइन में, ठीक है जी। अब हमारा कौन सा एलिमेंट रह गया? वाटर रह गया। वाटर की बात करेंगे, ठीक है। अब आप बताइए वाटर से हम क्या समझेंगे, इनका जो ट्रायंगल रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा। हाँ जी हाँ जी, वाटर एलिमेंट से आप क्या समझते हैं? सॉफ्ट होंगे, जैसे एडजस्टेबल होंगे, जैसे जहां जाएंगे जिसमें मिलेंगे वैसे ही बन जाएंगे।
ओके, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पानी जिस उसमें जाता है बर्तन में उसी की शेप ले लेते हैं, तो बहुत खुद बनाएंगे। हाँ जी जी, बहुत बढ़िया, इमोशनल होंगे, राइट राइट। तो इनकी अगर हम बात करें तो ये भावनात्मक होंगे, एम्पैथेटिक होंगे, मतलब सहानुभूतिपूर्ण होंगे, ठीक है, और थोड़े से इसको बोलते हैं, इसको अगर हम मैं पॉजिटिव में लेके जाऊं, साइकिक भी होते हैं सर, ये उत्तेजित भी होते हैं क्या? ये बहुत कम उत्तेजित होते हैं जो वाटर एलिमेंट है ये, लेकिन जब इनको गुस्सा आएगा थोड़ा मून से रिलेटेड रखेंगे, जैसे फुल मून नाइट आती है हमारी या अमावस्या आती है, तो उस टाइम पे जो क्योंकि वाटर एलिमेंट में अगर बात करें तो वाटर ज्यादा रहेगा, तो उस टाइम में जो इनकी इमोशंस हैं वो काफी स्ट्रांग रहती है, लेकिन गुस्सा नहीं करते हैं, गुस्सा बहुत कम करते हैं, बहुत ही शांत प्रवृत्ति के रहते हैं, ठीक है। तो वाटर एलिमेंट ये हमारे, तो इस तरह से मैंने आपको आज जो हमने डिस्कशन किया फोर एलिमेंट्स के बारे में, कल हम और डिटेल में बात करेंगे कि इन एलिमेंट्स के आगे प्रॉपर्टीज क्या हैं और किस तरह से ये हमें इम्पैक्ट करते हैं, राइट राइट। तो मेरा ख्याल आज हम यहीं पे अपना टॉपिक क्लोज करेंगे, ये वाला। और इनकी राशियां, हाँ जी, अच्छा इनकी राशियां, ओके सॉरी सॉरी, इनकी राशियां आप बताइए, सभी लोग हैं, कौन कौन सी राशियां रही हैं? चार फोर एट कल हम इनके एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जो ये ट्राइन्स हैं जैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं, हमने अग्नि तत्व के बारे में बात करी, तो मैं आपसे पूछूं कि मार्स जो है, मंगल अगर एरीज में है, मंगल अगर लियो में है, और मंगल अगर सैगिटेरियस राशि में है, तो वो किस तरह से एक्ट करेगा, बताएंगे मुझे, क्योंकि तीनों ही फायरी साइन है और फायरी प्लैनेट तीनों साइंस में बैठे हैं, तो उसका एक्शन कैसा रहेगा, उसका स्वभाव कैसा रहेगा? ताकतवर और गुस्से वाला। हाँ जी, नहीं तीनों में तीनों स्ट्रॉन्ग तो रहेगा, बट तीनों राशियां अलग अलग है, मंगल की पहली राशि तो तुक्की है, एक राशि बिल्कुल, तो उसमें अपने गुण ज्यादा होंगे, उसके ऊपर किसी दूसरे प्लैनेट का कोई प्रभाव नहीं होगा, ठीक है जी। तो इसके इसी के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे कि अगर मार्स जो है या कोई भी प्लैनेट है वो अगर अग्नि राशि में है, तीनों अग्नि राशि में है, एक में, पांच में, नौ में, तो वो किस तरह से बिहेव करेगा अलग, क्योंकि उसका बिहेवियर अलग रहेगा। हम ये तो बोल देते हैं कि ये फायरी साइन में है, ये वाटरी साइन में है, लेकिन उस राशि की भी अपनी प्रॉपर्टीज रहती हैं, तो वहां पे जाके जो प्लैनेट है वो किस तरह से बिहेव करेगा, आप इसको ऐसे देखिए, जो राशि है उसको आप ना शर्ट समझिए, ठीक है, तो जो प्लैनेट है जब उस राशि में जाएगा तो उसने उस उसकी शर्ट पहन ली उस राशि की, तो वो उस तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। हाँ जी सुषमा जी, सर पहले राशि राशि लिखवाई है, फिर कौन से हाउस में कौन सा घर रहता है, उसका लॉर्ड कौन सा रहता है, वो लिखवाई है, आगे बहुत जल्दी समझ में आएगा। आप क्या बोल रहे हैं, हमारे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा मैडम, पांचवा हाउस, दूसरा हाउस, तीसरा हाउस, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले हमको राशि बताइए, उसका लॉर्ड बताइए, और फिर वो चार्ट बना के उसमें बताइए सर, तो जल्दी समझ में आएगा हमें। सुषमा जी, जो अगले पांच दिन रखे हैं ना हमने, टोटल सात दिन, तो इसमें आपको एक एक चीज डिटेल में बताएंगे सभी को, कि उसमें 12 राशियां कौन सी हैं, कौन सी राशि में कौन सा प्लेनेट मतलब उच्च का है, कौन सा नीच का है, कौन सी डिग्री पे जाके वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में चले जाता है, 12 भाव कौन कौन से हैं, 9 ग्रह कौन कौन से। वही बोल रहे सर, पहले 12 भाव बताइए, 12 भाव का डिटेल लगे तो बाद में बताइए, 12 भाव कौन कैसे रहते हैं कुंडली में वो बताइए, आपकी कुंडली लेके बताएंगे कल, आप अपना चार्ट भेज दीजिए विपन जी को,
आपके चार्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है सुषमा जी? ओके सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी मोहन जी। सर जैसे आपने ये ट्रायंगल ऊपर नीचे बताए हैं, इनका समझ नहीं आया कैसे कोई अपर डाउन का। इसका देखो एनर्जी जो है ना, अगर ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है, ये एक सिंबल है, मतलब जो ट्रायंगल ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो एनर्जी मींस ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है, तो वो हमारे कौन से साइन होंगे? एक्टिव साइन। और जिसमें एनर्जी, शिव शक्ति की बात समझते हैं आप, जिसमें दो ट्रायंगल्स रहते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो ये बैलेंस करते हैं एक दूसरे को। तो ये सिंबल ये दोहराता है कि एनर्जी किस तरफ को मूव कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक जल तत्व की जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में बात करता हूँ, तो वो ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, लेकिन उनमें इतनी कैपेसिटी होगी नॉलेज को अंदर रखने की, वो आप सोच भी नहीं सकते, मतलब एक तरह से ओशन होंगे वो। तो उसमें जो आपकी एनर्जी है वो नीचे की तरफ जा रही है। अगर आपका फायरी साइन है, एयरी साइन है, अगर हम एयरी साइन की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, तो उनकी एनर्जी है जो बाहर की तरफ ज्यादा निकलती है। अर्धी साइन हो गया, वो बेचारा बोलेगा ही नहीं कुछ। अर्धी एलिमेंट जो है वो अपने आप ही अंदर ही रहेगा, डाउन टू अर्थ रहेगा, वो बात भी नहीं करेगा, वो अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। अब इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लीजिए विर्गो में सैटर्न है, आपके बच्चे के लगन में विर्गो में सैटर्न है, तो उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि आपको उसको डिवेलप करना है एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर एक इनहेरेंट नेचर आ गया कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए मैं ये कह रहा था कि जब तक हम ये राशियों को, एलिमेंट्स को अच्छी तरह नहीं समझेंगे, हम चार्ट को एनालाइज करने में उतने परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। सर ये जो अर्थ का आपने बनाया है एंड वाटर का, दोनों का सेम साइन है ना? अर्थ एंड वाटर का, हाँ जी ट्रायंगल सेम बना है ना, अर्थ का भी नीचे की तरफ है। मैम इसमें ना एक यहाँ लाइन डाली है, लाइन डालनी है, लाइन डाली है, ठीक है। तो इसमें इसमें दोनों की नीचे की तरफ एनर्जी है, मतलब इनवर्ड एनर्जी है, और जो फायर एंड एयर में है वो आउटवर्ड एनर्जी है। तो अगर हम इन चीजों को समझ जाएंगे तो आगे जब हम कनेक्ट करेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा कि एक प्लेनेट है वो एयरी साइन में कैसे बिहेव करेगा, अर्धी साइन में कैसे बिहेव करेगा, और फायर साइन में कैसे करेगा। तो सर एक चीज और बताइए प्लीज, जो लाइन डाली है ये आपने इस बेस बेस की साइड पर डाली है या कोन की साइड पर डालनी चाहिए, और लाइन डालने का कोई खास मकसद है, मतलब किस किस? इसमें बेसिकली क्या है, आपका क्वेश्चन सही है, पर मेन हमें ये समझना है ट्रायंगल की डायरेक्शन किस तरफ है। इनके कलर अलग अलग हैं, वो मैं कलर भी आपको कल दे दूंगा। फायर का अलग कलर है, वाटर का अलग कलर है, एयर का अलग कलर है, और अर्थ का अलग कलर है। तो जब हम डिटेल में करेंगे तो मैं आपको इनके जो क्या 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 कलर्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इनके नोट्स भी आपको मिलेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती है। तो अब मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूंगा कि आपने अपने हॉरोस्कोप को जज करना है, जो ऑलरेडी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, रिनोन एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कि आपकी जो प्रवृत्ति है वो क्या है। आप फायर एलिमेंट हो, वाटर एलिमेंट हो, अर्थ एलिमेंट हो, या एयर एलिमेंट। तो ये मैं आपको बताऊंगा, कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा कि कैसे एनालाइज करना है। जब हम एडवांस में चले जाएंगे तो आपको नक्षत्रों से बताना बताऊंगा मैं, मतलब आप अपने नक्षत्रों से देख सकते हैं कि आप कौन से एलिमेंट, ठीक है। और कोई प्रश्न आज के, बाकी सुषमा जी का मैं ध्यान रखूंगा खास, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं सुषमा जी, बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, एबीसी से करेंगे स्टार्ट, आप चिंता मत करो। आपको मैंने पहले ही कह दिया है कि आप अगर कोर्स कर भी गए तो आपको नेक्स्ट सेशन में फ्री में रखा जाएगा, उसकी दोबारा फीस नहीं ली जाएगी, और आपको सभी के नोट्स मिलेंगे, सभी की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, और सभी को सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, सभी को सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मानव जी आपका।
थैंक यू सर प्रणाम।